भारत व श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में जीत के साथ उतरने को लेकर भारत व श्रीलंका की टीम ने धर्मशाला के HPCS स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। श्रीलंका की टीम सबसे पहले सुबह के सत्र में मैदान में उतरी और वार्म अप किया। इसके बाद श्रीलंका के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने लगभग 3 बजे तक नेट पर गेंदबाजी व बल्लेबाजी का जमकर अभ्यास किया। भारत की टीम दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे मैदान पर उतरी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कोच रवि शास्त्री की देखरेख में पहले वार्म अप किया और उसके बाद लगभग 3 घंटे तक नेट पर पसीना बहाया। HPCA के प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि मैदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दोनों टीमें अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैच अपने निर्धारित समय पर शुरू होगा। की टीम में आज जो है वो सुबह यहाँ पे 8 बजे से लेकर के जो है लगभग 1 बजे तक प्रैक्टिस करी है, उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक भारत की टीम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है और कल भी दोनों टीमें जो हैं वो 10 तारीख को होने वाले मैच को जीतने के लिए पूरी अपना पसीना बहाएंगी। दोनों टीमें कल यहाँ पे सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करेंगी। तैयारियां पिच पिच के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सारी तैयारियां बाकी मुकम्मल कर ली गई हैं और मैच की जो है वो तैयारी लगभग प्रशासन की तरफ से जो सहयोग था वो भी पूरा मिल रहा है और HPCA भी अपनी तरफ से पूरी तैयार है। सर, इंडिया की टीम से कौन कौन स्टार खिलाड़ी आए हैं? रोहित शर्मा जो है इस मैच में कैप्टन हैं और धोनी हैं, बाकी सभी लगभग प्रोमिनेंट प्लेयर्स विराट कोहली को छोड़ करके यहाँ पे पहुंचे हैं। थैंक यू सर।